जो पावर स्टार पवन सिंह के फैन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको मिला। वहीं पर खेसारी लाल यादव के भी फैंस परेशान हैं और काजल राघवानी के फैंस भी परेशान हैं और वहीं पर जितने भी स्टार्स हैं सबके फैंस भी परेशान हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किसको मिला है, देखा जाए तो सिंगिंग का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट सिंगर का अवार्ड और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, पवन सिंह को मिला या खेसारी लाल यादव को मिला या किसी और को मिला है। तो वीडियो आप पूरा देखिए तभी आपके समझ में 100% आएगा। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा कि हाँ वाकई में किसको मिला है अवार्ड किसको नहीं मिला है। तो बेशक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहला अवार्ड जो दिया गया भोजपुरी इंडस्ट्रीज में वो पावर स्टार पवन सिंह को दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइकन ऑफ द ईयर जो कि मेल सिंगर पावर स्टार पवन सिंह को दिया है। तो पहला अवार्ड पावर स्टार पवन सिंह को मिला, जो कि आप समझ नहीं सकते हैं कि आइकन ऑफ ईयर मतलब क्या होता है, कि इस साल के भोजपुरी का प्रतीक जो कि पावर स्टार पवन सिंह को फिल्म फेयर ने माना है उसी के ऊपर इनको अवार्ड दिया है। अब बात कर लेते हैं हम काजल राघवानी के बारे में। तो काजल राघवानी के अगर देखा जाए तो आइकन ऑफ द ईयर फीमेल मतलब की बात की जाए तो पावर स्टार पवन सिंह के बाद अगर इस साल के प्रतीक कोई है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो हीरोइन में तो वो है काजल राघवानी। उसके बाद में यहाँ पर अवार्ड की बात कर लेते हैं तो पहला अवार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साल के प्रतीक माना गया पावर स्टार पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्रीज का। और वहीं पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रदीप देखा जाए तो प्रदीप राजकुमार आर पांडे की अगर बात की जाए तो प्रमोशन स्टार ईयर ऑफ ये मेल में इनको दिया गया। लेकिन यहीं पर हमारे जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि खेसारी लाल यादव को कितना अवार्ड मिला है। तो पहला अवार्ड मैं आपको पावर स्टार पवन सिंह का बता चुके हैं। यहाँ पर यामिनी सिंह की अगर बात की जाए तो प्रमोशन स्टार ऑफ द ईयर इस साल की जो प्रमोशिंग मतलब प्रमोशनिंग जो कि प्रमोट करना किसी चीज़ को प्रचार करना एडवर्टाइज करना उसके लिए इनको यहाँ पर इस साल का सबसे बेस्ट अवार्ड दिया गया है। यामिनी सिंह का बिल्कुल फाइनल हो गया। उसके बाद में जो दूसरा अवार्ड निकल के आता है वो सिंगर ऑफ द ईयर मतलब इस साल के भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अगर सिंगर का अवार्ड मिला तो पावर स्टार पवन सिंह को मिला है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पहला स्टार ईयर के प्रतीक का मिला था और दूसरा इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है सिंगर का अवार्ड, जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इस साल के या हमेशा के लिए सबसे बेस्ट सिंगर का अवार्ड इनको मिला। तो दो अवार्ड पावर स्टार पवन सिंह को मिल चुका है। लेकिन यहीं पर आप वीडियो ख़त्म मत कीजिए, यहाँ पर खेसारी लाल यादव का भी अवार्ड हम जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रियंका सिंह की अगर बात की जाए तो प्रियंका सिंह अगर देखा जाए तो सिंगर ऑफ द ईयर मतलब इस साल का सबसे बेस्ट सिंगर अगर देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कोई है तो प्रियंका सिंह है, जिनको अवार्ड 100% यहाँ पर दिया गया है और उनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद में दिनेश लाल यादव को देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैटर्स वो है खेसारी लाल यादव का। तो खेसारी लाल यादव यहाँ पर आ चुके हैं इंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स मतलब ये लोगों को उत्साहित करने के लिए या लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए इनको इस चीज़ का अवार्ड दिया गया, इस साल का सबसे बेटर अवार्ड माना जाता है। लेकिन खेसारी लाल यादव को ना इस बार देखा जाए तो बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है ना उनको बेस्ट अवार्ड का अवार्ड मिला है। बेशक अगर बात की जाए तो बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड उनको नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह को दो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वहीं पर खेसारी लाल यादव को एक ही अवार्ड मिला है, ना इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ना ये बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। क्योंकि ये खेसारी लाल यादव हरदम कहते थे कि हाँ हम एक देखा जाए तो सिंगर तो कोई बन भी बन सकता है लेकिन एक्टिंग करके दिखाओ। लेकिन एक्टिंग की अगर बात आती तो यहीं पर चिंटू पांडे को दिया गया एक्टर का बेस्ट अवार्ड, उनके फिल्म जो कि है देवरा बड़ा सतावेला उस फिल्म का अगर देखा जाए तो शायद यही फिल्म दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कन्फर्म क्या है। तो यहाँ पर तो उसी का अवार्ड दिया गया है। तो 100% आप समझ सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह का पावर क्या है, आप लोग यहां पर देख चुके हैं। तो वैसा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और बहुत जल्द मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।